Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज मैं ये look लेकर आई हूँ. I hope आपको ये पसंद आएगा. और अगर आपको जानना है कि किस तरीके से मैंने ये look create किया है, तो keep on watching. और ये मेरा New Year look है आज का. So I hope you will like the video. First time मैं on camera अपना makeup लेकर आई हूँ. So I am bit nervous and excited as well. So I hope you will like this makeup. So keep on watching. सबसे पहले मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है. अभी मैं शावर लेकर आई हूँ. अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं मेकअप से. तो सबसे पहले लगाएंगे हम प्राइमर. मैंने पर्पल का प्राइमर लिया है. मैंने दो पंप इसमें अपने हाथ में प्राइमर निकाल लिया है. इसको मैं अच्छे से अपने फेस में इवेली मैंने अपने फेस में इसे लगा लिया प्राइमर को. प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके फेस में अच्छा से एक बेस प्रोवाइड करेगा. अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं. अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करना मत भूलिएगा. ऐसे ही विंटर्स का सीजन है तो एक फेस और मेकअप के बीच में एक बैरियर होना चाहिए, तो आपके फेस एकदम क्रैक हो जाएगा. देन लेट्स स्टार्ट विथ फाउंडेशन. मैंने ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लिया. मेरा शेड है 230. अब इसको अच्छे से डॉट डॉट अपने पूरे फेस में लगा लेती हूँ. बचा हुआ है मैं अपने शोल्डर पे लगा लेती हूँ बिकॉज ये भी एक्सपोज हो गया है. अभी मैंने एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जिसको मैंने गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया है. उससे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी अपने फेस में. अपने गले में भी मत भूलिएगा बिकॉज गला और आपका फेस एकदम एक कलर का लगना चाहिए. मैंने इसे अच्छे से अपने ईयर्स पर भी थोड़ा बचा हुआ है ब्यूटी ब्लेंडर पर मैंने ईयर्स पर भी लगा लिया है. इसको अच्छे से अपने फेस पे मैंने ब्लेंड कर लिया है. मैंने कंसीलर लिया है फिट मी का ही है. ये 25 शेड है मेरा. तो इसको मैं अच्छे से अपने अंडर आईज और जो डार्क मेरे पिगमेंटेड लिप्स के यहाँ पे है वहाँ पे मैं अच्छे से लगा लूंगी. टी जोन में मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. जिसको ये जानना है ये कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर है, ये मेरा कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर है. अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे अपने पाउडर से. तो ये मैंने ब्लू हेवन का लूज पाउडर लिया है. तो इसको मैं एक फ्लफी ब्रश से अपने फेस में अच्छे से लगा लूंगी. येलो कलर है ये. अपने कंसीलर को सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो ये क्रीज हो जाएगा और काफी आपको पार्टी में काफी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होना चाहिए. तो ये अच्छे से सेट कर देता है आपके कंसीलर को. जो बचा हुआ है अपने ब्रश में मैंने अपने फेस पे लगा लेती हूँ. मैं कंसीलर को अपने आईश
लिड पे भी लगा देती हूँ सो दैट क्योंकि मेरे पास अलग प्राइमर नहीं होती है कि इवन बेस प्रोवाइड करेगा मेरे आई शेडो के लिए. मैं आईब्रोज कर लेती हूँ अपने. आईब्रोज बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो आईब्रोज पे उतना फोकस नहीं करते, बट एक आईब्रोज करने पे आपका फेस इतना अलग दिखने लगता है, बहुत अच्छा दिखता है. ये मेरा आईब्रो किट है, ये है हिलेरी रोडे से. इसमें ट्रियो आते हैं, तो मैं इसमें डार्क ब्राउन शेड यूज़ करने वाली हूँ और हल्का सा मैं ये लाइट ब्राउन, मैं ब्लैक यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे हेयर ब्राउनिश है एंड वो काफ़ी नेचुरल लुक देता है ब्राउन. तो अभी मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर लेती हूँ फटाफट. अपनी स्पूली की मदद से मैं ये आईब्रो पाउडर को अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी सो दैट एक नेचुरल लुक आता है, लगता नहीं कि आपने कुछ किया हुआ है. ओके, तो अब हम कर लेते हैं आई शेडो लगाते हैं. तो मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का कौन सा था ये मेरा पैलेट रीलोडेड वेलवेट रोज पैलेट लिया है मैंने. अब ये एक ब्रश की मदद से मैं ये वाला शेड अपने पूरे आईलिड में लगाने वाली हूँ, तो एक बेस प्रोवाइड करेगा ये. बहुत ही ज्यादा पिगमेंट कर रही है, अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी मैं अपने आईलिड्स पे. बहुत ही हल्का सा प्रोडक्ट लेना है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा पैलेट है. अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है. अच्छे से टाइम लेके आई शेडो लगाती हूँ मैं बिकॉज अच्छे से ब्लेंड होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दोनों आईज में इवनली मैंने इसे लगा लिया है. मैं थोड़ा स्मोकी लुक करने का सोच रही हूँ, तो अब मैं ये सिर्फ आईलिड पे लगाने वाली हूँ, ऊपर क्रीज पे नहीं लगाने वाली. ब्लैक आई शेडो मैंने लिया है ये वाला हल्का सा, ज्यादा मैं स्मोकी नहीं करने वाली, हल्का सा करने वाली. मैंने हल्का सा अपना आईलिड्स पे ये ब्लैक कलर लगा लिया है. अब मैं इसे ज्यादा नहीं लगाने वाली, बहुत ही ज्यादा हल्का लगा है. अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ. एक ब्लेंडिंग ब्रश है, मैंने सेम ब्लेंडिंग ब्रश लिया है जो मैंने जिससे मैंने ब्राउन कलर लगाया था. अब मैं इसको अच्छे से बस ब्लेंड कर लूंगी. ये दोनों के बीच में एक हार्श लाइन नहीं होना चाहिए, लाइक दोनों एकदम सिमेट्रिकल वे में दोनों ब्लेंड हो जाने चाहिए. एक्चुअली सॉरी अगर कुछ गलत हुआ है तो, बिकॉज मैं भी अभी लर्निंग स्टेज में, लाइक आई शेडोज में मैं थोड़ा मेरे को डर लगता है ब्लेंड वगैरह करने में, बिकॉज मैं भी अभी कुछ टाइम पहले ही आई शेडोज में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया है मैंने. बाकी मेरे लाइक बाकी मेरा अच्छा हो जाता है, बट आई शेडो में थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे एक डार्क ब्राउन कलर भी लेने वाली हूँ.
और इन दोनों के बीच में लगाऊंगी सो दैट ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए. और ये मैं इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में लगाऊंगी ज्यादा. और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी. अच्छा लग रहा है. अब मैं इसे ज़्यादा इसको छिड़काने नहीं करने वाली. मैं इसी ब्लेंडिंग ब्रश से अभी थोड़ा हल्का सा नीचे डार्क ब्राउन लगाने वाली हूँ. ये मैंने अपना मेकअप रिवॉल्यूशन ब्लश पैलेट लिया है. इसमें से अभी मैं ये वाला गोल्डन शेड को मैं अपने हाई पॉइंट्स पे लगाने वाली हूँ. तो ये आईब्रोज को ना लिफ्ट प्रोवाइड कर देता है. तो फटाफट से अब मैं एसेंस का ये मैंने ब्लश लिया है. ये है 40 नेचुरल ब्यूटी. इसको मैं फटाफट अपने चीक्स पे लगा लेती हूँ. काफी अच्छा है ये. बहुत ही नेचुरल, मुझे बहुत ही नेचुरल सा एक फ्लश ऑफ कलर देता है. कुछ ना कुछ करना भूल जाती हूँ हर बार. अभी मैंने कॉन्टोरिंग करना भूल गई हूँ तो मैं ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करने वाली हूँ. मैं यही मेकअप रिवॉल्यूशन की ये वाला पैलेट लेके जो ब्राउन कलर है उससे मैं हल्का सा ब्रॉन्जर की तरह अपने फेस में कलर ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा. जॉस के नीचे भी लगाऊंगी सो दैट एक थोड़ा शेप प्रोवाइड कर देता है अपने फोरहेड पे. अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं लाइक ऑन कैमरा अपना मेकअप शूट कर रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ इसीलिए कुछ ना कुछ भूल जा रही हूँ. सॉरी फॉर दैट. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. लाइक अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी वीडियोस लेकर ज़रूर आऊँगी अपने मेकअप का. या मैं अभी कॉन्टोरिंग मैंने हो गया है मेरा हल्का सा ब्रॉन्जर ऐड कर लिया. लाइक मैं प्रॉपर कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, ब्रॉन्जर ही कर रही हूँ. बिकॉज मेरा ऑफिस फंक्शन है तो मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहती. हाइलाइटर लिया है मैंने मेबलिन का मास्टर क्रोम. अब मैं इसको अपने यहाँ चीक्स पे लगाऊंगी. बहुत ही हल्का सा लिया है. मैं इसको अपने फिंगर में हल्का सा लेके अपने इनर कॉर्नर में लगा लूंगी. हम फटाफट से आई लाइनर लगा लेते हैं. आई लाइनर में मैं ये लैकमे का इंस्टा लाइनर यूज कर रही हूँ. हल्का सा विंग लाइनर मैंने क्रिएट किया है. ये मैंने आईलाइनर लगा लिया है. अभी ये मैं इसको थोड़ा सा सूखने दूंगी बिकॉज ये इंस्टा लाइनर है, थोड़ा टाइम लेता है सूखने के लिए. बट इसका ये ब्रशेस इतने पतले ब्रश
तो मैं इसको इसी को यूज़ करती हूँ कुछ भी आईलाइनर लगाने के लिए, बिकॉज बहुत अच्छा था, जैसे मुझे चाहिए होता है वैसे ही ये लग जाता है इजीली। और मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर से सारा मेकअप इवन लगा दूँगी कि ऐसा ना लगे कि कुछ अलग से लगा हुआ है। मैंने मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने लिप्स पे मैंने वैसलीन लगा लिया था, सो दैट कि कोई भी मैट लिपस्टिक अभी मैं लगाने वाली हूँ तो वो मेरे लिप्स में ड्राई ना करे, कुछ मॉइस्चर होना चाहिए आपके लिप्स में। तो अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप अपने लिप्स में कोई भी लिप बाम या वैसलीन या कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये अपने लिप्स के लिए मैंने लिया है, ये है गिव मी मोका वेट एंड वाइल्ड का, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। थोड़ा हैवी आई किया है इसीलिए मैंने बहुत न्यूट्रल सा अपने लिप्स में कलर लगा दिया, हल्का से ये हाइलाइटर मैं अपने लिए लगाने वाली हूँ ताकि एक शाइन दे। और मैं हल्का सा अपने कॉलर बोन पे भी लगाने वाली हूँ, कॉलर बोन पे। तो अब मैं ये आईलैश कर्नर से अपने आईलैश को थोड़ा कर्ल कर लूंगी। इससे आईलैश काफी लाइक ऊपर हो जाते हैं तो काफी अच्छा मस्कारा लगता है, तो बहुत अच्छा दिखता है। अब मैं ये मेबलिन लैश सेंसेशनल वाला मस्कारा लगाने वाली हूँ फटाफट से। ये सबसे ज़्यादा मेरा टाइम लेता है इसलिए मैं इसको थोड़ा लास्ट में ही करना प्रेफर करती हूँ। मैं अपर और लोअर लैश लाइन में दोनों में लगा रही हूँ। ये मेरा फाइनल लुक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बालों में कुछ भी नहीं किया, जस्ट ब्लो ड्राई किया बाल अभी वॉश करके, एंड मैंने वॉच पहना है एंड मैंने ये इयररिंग्स पहन लिए हैं। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अपने न्यू ईयर पार्टी में आप रॉक कर सकते हैं बाय दिस लुक। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।